हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक। गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड लुक है। मेरे एक सब्सक्राइबर मोहिनी ने पंजाबी मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इस लुक को शेयर किया है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम टोनर अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, आप भी टोनर ज़रूर लगाया करो, इससे आपके स्किन के सारे पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं और आपकी स्किन भी हाइड्रेट हो जाती है। अब मैं टोनर को अच्छी तरह डैब डैब करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दूँगी। उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये न्यूड की कैरेट सीड रिपेयर क्रीम। ये मुझे ब्रांड ने भेजी थी, बहुत ही अच्छी क्रीम है, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है, और इसको लगाने के बाद स्टिकी बिल्कुल भी फील नहीं होता है। आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाता है। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं मार्स का लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। गाइस, ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ये वाला प्राइमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप भी कोई अच्छा सा अफोर्डेबल प्राइमर बाय करना चाहते हैं तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। यह आपके मेकअप को काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रखता है। प्राइमर के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने मेबलिन फिटमी में से 2 शेड्स को लिया है। सबसे पहले मैंने 115 आइवरी और उसके बाद 128 न्यूड को इन दोनों शेड्स को मिक्स करके अच्छे से अपने फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई किया है, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, इन दोनों फाउंडेशंस को मैंने इसलिए मिक्स करके अप्लाई किया था क्योंकि एक मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट शेड था और एक बहुत ज़्यादा डार्क शेड था। गाइज, ये एक बहुत अच्छा हैक है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई फाउंडेशन है तो आप भी उनको ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके अप्लाई कर सकते हो और अपने शेड के अकॉर्डिंग बना सकते हो। और गाइज, आप हमेशा अपने शेड का ही फाउंडेशन लगाया करो, इससे आपका फाउंडेशन कभी भी काला नहीं पड़ेगा। और मेकअप करने से पहले स्किन केयर बहुत अच्छे से किया करो, इससे आपका मेकअप बेस काफ़ी फ्लॉलेस दिखता है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। गाइज, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा कंसीलर है। ये आपने हर एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को यूज़ करते हुए ज़रूर देखा होगा। अफोर्डेबल प्राइस में इससे अच्छा हाई कवरेज कंसीलर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कंसीलर को मैंने आईलेट्स पर, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन एरिया पर और सारे हाइलाइटेड एरियाज़ पर अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इन सब को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ लैक्मे लूज पाउडर लिया है। इससे सबसे पहले मैं अपनी आईलेट्स को सेट करूँगी क्योंकि आईलेट्स पर ही क्रीज लाइन सबसे पहले आ जाती हैं, और उसके बाद पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने अपने पूरे बेस को सेट कर लिया है और एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक के सेटिंग स्प्रे को अपने पूरे बेस पर स्प्रे कर लिया है, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप कर लूँगी। इससे आपका फेस ज़्यादा पाउडरी सा नहीं लगेगा और बेस भी काफ़ी ग्लोई हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड के आईब्रो पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको 2 शेड्स मिलते हैं, एक लाइट ब्राउन और एक डार्क ब्राउन। तो सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज को कॉम्ब किया है। इससे क्या होगा, आपके आईब्रोज में जितना भी पाउडर या फाउंडेशन वगैरह लगा होगा ना, वो सारा हट जाएगा और आप आईब्रोज को ईजिली फिल कर पाओगे। अच्छा, और आज ना मैंने थोड़ी डार्क आईब्रोज को फिल किया है क्योंकि जो पंजाबी लोग होते हैं ना, उनकी आईब्रोज थोड़ी थिक होती हैं और थोड़ी डार्क सी होती हैं, इसलिए। और आईब्रोज को फिल हो जाने के बाद मैंने स्पूली की हेल्प से फिर से आईब्रोज को कॉम्ब कर लिया है। इससे आईब्रोज में एक नेचुरल लुक आएगा और आईब्रोज ब्लेंडेड भी लगेंगी। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की फेस पैलेट में से इस ब्राउन शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड लिया है, और इसकी हेल्प से मैं अपनी क्रीज एरिया को बिल्डअप करूँगी जिससे आईज़ को थोड़ी डेप्थ मिल जाएगी। एंड गाइज, आपको ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा होगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। गाइज, आपको एक साथ ट्रांजिशन शेड बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा ट्रांजिशन शेड लेना है और उसी को बिल्डअप करते जाना है।
उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर को अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई किया है। ये मैंने इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि जब भी हम कोई सिमर शेड या ग्लिटर अपने आईलिड्स पर अप्लाई करते हैं तो वो फेस पर भी गिरता है, जिससे हमारा पूरा मेकअप बेस ख़राब हो जाता है। ओके, अब मैंने ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट में से ये इस वाले शिमरी शेड को लेकर अपनी पूरी आईलिड पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लिया है। गाइज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। अब मैं एक फ्लफी ब्रश को लेकर अपने क्रीज एरिया और आउटर वी एरिया को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैंने अंडर आई एरिया पर जो लूज़ पाउडर अप्लाई किया था उसको डस्ट ऑफ कर लूँगी। अब मैंने वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट में से ये डार्क वाले शेड को फ्लैट ब्रश में लेकर लोअर लैश लाइन पर लगाया है और उसके बाद ब्राउन शेड को फ्लफी ब्रश में लेकर दोनों को ब्लेंड किया है। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की फेस पैलेट में से इस वाले शेड को लेकर सबसे पहले नोज़ कॉन्टोरिंग करूँगी। और गाइस, मैं अपने फेस की ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ क्योंकि कॉन्टोरिंग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया है। अब मैं इसको छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई करूँगी और आप भी आईलाइनर को टाइम लेकर ही अप्लाई किया करो। गाइज़, यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल आईलाइनर लगाया हुआ है, ओनली लैश लाइन पर ही लाइनर को अप्लाई किया है। अब मैंने आईलैश कर्लर की हेल्प से आईलैशेस को कर्ल कर लिया है। नेक्स्ट मस्कारा के लिए मैंने मार्स कॉस्मेटिक्स का मस्कारा यूज़ किया है। गाइस, ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये मस्कारा लैशेस को अच्छे से कोट कर देता है और लैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम भी दे देता है। गाइस, यहाँ पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। गाइस, फॉल्स लैशेज मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। नेक्स्ट ब्लश मैंने अप्लाई किया है।